अवशेष मिलने के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने कटंगी बंद कराया है। बजरंग दल ने पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी की। जिला प्रशासन के विरोध में यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। दो दिन पहले अवशेष मिले थे और शासन ने गौवंश अवशेष से होने से इनकार कर दिया था। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर हिंदूवादी संगठनों को आपत्ति है। हिंदूवादी संगठनों ने निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग उठाई है और हिंदूवादी संगठनों ने मांगे पूरी न होने पर नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। और पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अभी प्रदर्शन जारी है, क्या मांग कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन? और अभी गौवंश के मामले में जिस तरह से पहले गौवंश के अवशेष होने से इनकार किया जा रहा था, अब क्या दावा हो रहा है? जी बिल्कुल, ये पूरा एक मामला जो है, दो दिन पहले जब कटंगी के पास पहाड़ी में गौवंश के अवशेष मिले थे, जिसमें प्रशासन का कहना था कि इसमें 5 गौवंश ही है, बाकी अन्य जानवर है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों का ये कहना था कि जानवर कोई भी हो, मवेशी हो चाहे जंगली जानवर हो, इस तरह से उसको काटने का किसी को अधिकार नहीं है, उसकी हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, जिसको लेकर के आज कटंगी बंद का आह्वान था। चकाजाम भी किया, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये प्रदर्शन चला। कलेक्टर, SP, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ है। लेकिन चेतावनी भी दी गई है कि यदि जल्द से जल्द इस पर रोक नहीं लगाई जाती तो आने वाले दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन हो सकता है। लेकिन पवन, अभी इस पूरे मामले को लेकर जो आंदोलन या जो प्रदर्शन किया जा रहा है कटंगी बंद का, क्या प्रारूप देखने को मिल रहा है? क्या कटंगी बंद सफल रहा? जी बिल्कुल, अगर बात करें आंदोलन की तो आंदोलन सफल रहा है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया और अपने प्रतिष्ठान सुबह से बंद रखे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र या जो तहसील स्तर के इलाके होते हैं वहां सुबह से दुकानें खुल जाती हैं, मार्केट में आवाजाही चहल करनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज के आंदोलन में सफलता मिली है, किसी ने भी अपनी दुकानें नहीं खोली और ये आक्रोश जो है आमजन के भीतर भी है, क्योंकि हाल ही में सिवनी में, मंडला में और अन्य जगहों पर जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद हर किसी के मन में है कि गौवंश की हत्या, इस तरह से निरीह हत्या करना कहीं ना कहीं अपराध है, प्रशासन को इसमें सख्ती बरतना पड़ेगी, कानून का पालन कराना होगा और दोषियों को सजा भी देना होगी, तभी जाकर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो हर आमजन की यही मांग है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। नजर बनाए रखें, आप आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और देवास से जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया, जहां एक महिला के पेट में कपड़ा ही छोड़ दिया गया। डिलीवरी के लिए महिला अस्पताल पहुंची थी, उसे भर्ती कराया गया, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और परिजनों ने इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। CMHO ने जांच का भरोसा दिया है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। वरुण राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, अभी कैसी तबीयत है महिला की और ये लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की गई, क्या कुछ सफाई इस पर दे रहा है अस्पताल? देखिए, एक बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल की ओर से सामने आई है, जिसमें परिजनों ने डॉक्टरों पर जो है जिला अस्पताल के आरोप लगाते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं पेट से कपड़ा जो भी निकला है उनका एक बड़ी लापरवाही है और महिला की हालत तो हालांकि ठीक बनी हुई है, कहीं ना कहीं उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, अब वे ठीक है। वही परिजनों का कहना है कि 9 जून को जो महिला है उससे डिलीवरी हुई थी, उस दौरान उसके बाद अब 19 दिन बाद इस तरह से उन्होंने शोध के दौरान यह कपड़ा जो है निकला है और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं CMHO का कहना है कि टीम जो है गठित स्तर की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सीहोर में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाने थाने पहुंचे एक शख्स की थाने में तबीयत खराब हो गई। दरअसल अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि कन्याखेड़ी गांव निवासी बलवान सिंह नाम का एक शख्स थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था, जहां पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। थाने में लापरवाही का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए SP ने 3 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। और ये मोबाइल छुड़ा रहे हैं, वीडियोग्राफी है मेरा।
पूरे बेहोश हो रहे हैं, घंटे से दबाव डाल रहे हैं थाने पे। ये जावर थाना, ये जावर थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है। और रायसेन में रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसे देखते हुए एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने रेत खदानों पर छापा मारा। छापे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद रेत माफिया अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस की टीम ने धर दबोचा। और नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन करने वाले खनन माफियाओं से ग्रामीण भी परेशान है, और ग्रामीणों का ये कहना है कि रेत माफियाओं की वजह से महिलाओं का नर्मदा नदी में जाना मुश्किल हो गया है। रेत माफिया गांव की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अवैध रेत खनन को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। लेडीज नहाने आती हैं तो कहते हैं कि हमारा राज्य है, हम अलीगंज से निकल कर बताए सिमली वाले। ये कौन कहता है? ये लोग कहते हैं दारू पी के। रेत उठा रह के रहे, अब हम तो गरीब आदमी और गांव से निकल रहे हैं, अब प्रशासन जाने क्या करता है। प्रशासन कई बार शिकायत कर चुके, साहब बदान आए थे तो 3 बजे को हमें बुला दो, 1:30 बजे SDM साहब हमें बुला कर निकल गए। लगभग कितनी ट्रालियां चलती हैं यहाँ? ट्राली कम से कम 25-30 ट्राली प्रतिदिन चलती हैं जी। ये परेशानी की इधर पे महिलाएं लोग नहा भी नहीं जा पाती। किस वजह से? ये ट्राली वालों की वजह से रेत भर भर के ले जा रहे हैं लोग, गाली गलौज बकते हैं और भरते हैं इधर वाहनों की वजह। अच्छा, अधिकारी आते हैं यहाँ से घाट करने के? अधिकारी कहाँ से आएंगे, आते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ट्रैक्टर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब, TI साहब और संपूर्ण दल के साथ आकर देखा तो 2 ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए थे। तो गांव वालों के सहयोग से उनके ट्रैक्टर लेकर के भरे हुए रेता के जो ट्रॉली है उन्हें थाने की ओर ले जा रहे हैं। एक ट्रैक्टर रवाना हो गया, दूसरा रवाना कर रहे हैं। और खबरें आगे भी जा रही हैं।